हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपके सामने चार्ट दिख रहा है। अब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे सेल्स चार्ट भी बने लगाना है, तो सेल्स चार्ट के नीचे हमें यहाँ पे टारगेट भी शो करना है। तो अब टारगेट मैंने चार्ट लगाने के बाद यहाँ पे डाला हुआ है। तो टारगेट जो है ये टारगेट नंबर में हमने बाद में डाला, और चार्ट के ऊपर कई सारे फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने कर रखा है। अब मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करना है, तो क्या दोबारा से मुझे चार्ट लगाना पड़ेगा? क्योंकि जनरली तो हम डेटा को सेलेक्ट करके चार्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हुआ नहीं है, तो क्या करें? इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कई सारे तरीके हैं, सिलेक्ट डेटा से भी जाया कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइन पे भी जाके यहाँ से नीचे इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके देखिए लाइन चार्ट में आगे आपका अलग चार्ट में। अब इसको जो बार चार्ट है इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो चेंज चार्ट टाइप और यहाँ से अपना टारगेट को जो चार्ट देना है, लाइन चार्ट है, जो भी चार्ट देना है आप यहाँ से दे सकते हैं सिंपली। ओके कीजिए, आपका डेटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि चार्ट की जो फॉर्मेटिंग पहले से आपने की हुई है वो प्रिजर्व रहता है, आपको इस करने की जरूरत नहीं। अभी चार्ट का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग डैशबोर्ड पे करते हैं। किस तरह के डैशबोर्ड पे? तो ये दिख रहा है आपको कि सामने डैशबोर्ड है, हमने ये डेटा दिख रहा है, इस डेटा के ऊपर इस तरह का डैशबोर्ड तैयार किया हुआ है। इसमें हम फॉर्मूले, पिवट, चार्ट और सारे चीज के इस्तेमाल किए हुए हैं। अगली चार्ट है ये, देखिए ये चार्ट है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं कि ये अर्ली समरी चार्ट है, इसमें नीचे भी हमने डेटा दिए हुए, ये डेटा ये रहा, इस डेटा के ऊपर हमने ये समरी चार्ट बनाया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगली चार्ट की, तो ये देखिए ये फॉर्मूला से बना हुआ, सारा फॉर्मूला से बना चार्ट है अलग अलग, और ये इससे जूम भी हो जाता है, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए इस तरह से ये चार्ट से। तो इस तरह की चार्ट्स को हम डैशबोर्ड कहते हैं। अब आप चाहते हैं इस तरह के डैशबोर्ड सीखना तो बहुत अच्छे मौके पर आपने मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि हमारा 30 अक्टूबर, जी हाँ 30 अक्टूबर से एक एक्सेल डैशबोर्ड की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी जो चार पांच डैशबोर्ड मैंने दिखाया, इसी तरह के तकरीबन 25-25 रियल टाइम डैशबोर्ड हम आपके साथ कवर करने वाले हैं क्लास के अंदर। एडवांस फॉर्मेट फॉर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड विथ पिवट टेबल, डायनेमिक चार्ट, केपीआई डैशबोर्ड और डायनेमिक डैशबोर्ड विथ लार्ज डेटा, 25 रियल टाइम डैशबोर्ड होगा। हर क्लास लाइव होगी एमएस टीम्स के साथ, साथ में हर क्लास की वीडियो भी मिलेगा डेली बेसिस पे, साथ में आपको टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अगर क्लास 1-to-1 करते हैं, जिसकी फीस 10,000 पड़ती है, 1-to-1 मतलब एक बैच में एक ही स्टूडेंट होता है, लेकिन जब ग्रुप क्लास करते हैं जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, वो ग्रुप क्लास है सुबह 8 बजे, ग्रुप क्लासेज में आपको इसकी फीस मात्र 2,000 पड़ती है। तो फटाफट जो वेबसाइट है www.ds डैशबोर्ड का ds.iptindia.com, वहां पे जाए और डेमो क्लास का फॉर्म भर दे, या फिर सामने नंबर दिया हुआ है उस पर भी फोन करके आप या व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।